तो दोस्तों स्वागत है आज फिर एक नई वीडियो में। और ये जो नई वीडियो है वो क्लास इलेवेंथ इंग्लिश प्रोज का थर्ड चैप्टर द आंट एंड द ग्रास होपर। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दो भाइयों की, जॉर्ज राम से और टॉम राम से। जॉर्ज राम से बड़ा भाई था, टॉम राम से छोटा भाई था। जॉर्ज राम से जो था वो एक बहुत मेहनती व्यक्ति था, पेशे से वकील भी था, और उसने अपना सारा जीवन बहुत नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ उसने जिया। लेकिन उसका जीवन जो है केवल संतोषजनक ही रहा, जबकि उसका छोटा भाई टॉम राम से जो था बहुत उसने एक विलासितापूर्ण जीवन जिया, और उसने अपने परिवार की भी चिंता नहीं की और फिर भी वो समृद्ध बना। और यह कहानी उस पर, उसका कहावत पर सवाल उठाती है कि मेहनती लोगों को इनाम दिया जाता है और जबकि जो कामचोर लोग हैं उनको सजा दी जाती है। इस कहावत पर यह चैप्टर एक सवाल उठाता है। तो आइए इस कहानी के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। When I was a very small boy, जब मैं एक बहुत छोटा लड़का था, तो I was made to learn, मुझे रटवाई गई थी, by heart, certain of the, कुछ निश्चित fables माने काल्पनिक कहानियां, of Love Fountain, Love Fountain की कुछ काल्पनिक कहानियां, कुछ जो निश्चित कहानियां थी वो मुझे रटवाई गई थी, और एंड द मॉरल ऑफ ईच, और प्रत्येक कहानी का एक जो मॉरल था वो भी मुझे सावधानीपूर्वक, केयरफुली यानी कि सावधानीपूर्वक एक्सप्लेन किया गया था। एमोंग दोज, उनमें से ही आई लर्न, जो मैंने सीखी थी वो उनमें से ही एक कहानी थी, आंट एंड द ग्रास होपर, विच इज डिवाइज, जो कि शायद जिसको कि बनाया गया था टू ब्रिंग होम, समझाने के लिए ही बनाया गया था यंग लोगों को, कि एक बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट समझाने के लिए ही इस कहानी को बनाया गया था कि इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में इंडस्ट्री इज रिवार्डेड, जो मेहनती लोग होते हैं उन्हें इनाम दिया जाता है, एंड गिडीनेस पनिश्ड, और जो आलसी लोग होते हैं उन्हें सजा दी जाती है। इन दिस एडमायरेबल फेबल, इस प्रशंसनीय कहानी में आई अपोलोजाइज, मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ कुछ कहने के लिए उन लोगों से जो विनम्रतापूर्वक कुछ अपूर्ण ज्ञान रखते हैं। द आंट स्पेंड्स, चींटी बिताती है ए लेबोरियस समर, एक गर्मी यानी कि बहुत मेहनत, ए लेबोरियस समर यानी कि गर्मियों का मौसम जो है बहुत मेहनत के साथ बिताती है, गैदरिंग एकत्रित करने में, इट्स विंटर स्टोर, अपना जाड़े का भोजन का भंडार एकत्र करने में अपना गर्मियों का समय बहुत मेहनत के साथ बिताती है। वाइल द ग्रास ओवर, जबकि जो टिड्डा है सिट्स बैठा रहता है, ऑन ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास की पत्ती पर बैठा रहता है, सिंगिंग गाता रहता है, टू द सन, सूर्य की ओर मुंह किए हुए गाता रहता है। विंटर कम्स, जाड़ा आता है, एंड द आंट इज कम्फर्टेबली, और जो चींटी है वो बहुत आराम के साथ में प्रोवाइडेड फॉर अपना जीवन बिताती है। बट द ग्रास ओवर, लेकिन टिड्डा हैज एन एम्प्टी लार्डर, लेकिन जो टिड्डा है उसका भोजन का भंडार खाली रहता है। ही गोज टू द आंट, वह चींटी के पास जाता है, एंड बेक्स फॉर ए लिटिल फूड, और उससे कुछ थोड़ा सा धन मांगता है, देन थोड़ा सा भोजन मांगता है, देन द आंट गिव्स, तब चींटी उसे देती है हर क्लासिक आंसर, अपना एक उपयुक्त उत्तर देती है। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, इन दी समर टाइम, गर्मी के मौसम में तुम क्या कर रहे थे, सेविंग योर प्रेजेंस, श्रीमती जी, आई सेंग, मैं गा रहा था, आई सेंग ऑल डे, मैं सारे दिन गाता रहा, ऑल नाइट, और सारी रात गाता रहा, यू सेंग, तुम गाते रहे, तो भाई देन गो, अब जाओ एंड डांस, और नृत्य करो, आई डू नॉट एस्क्राइब, मैं कारण नहीं बता सकता, इट मन इसे टू परवर्सिटी, अपनी हट धर्मता, ऑन माई पार्ट, मैं इसे अपनी हट धर्मता नहीं कह सकता, बट रेदर टू द इनकॉन्सिक्वेंस, लेकिन इसका जो परिणाम है मैं इसे अपना बचपन की कुछ कम ज्ञान कह सकता हूँ, विच इज डेफिशियंट, क्योंकि बचपन में कुछ कमी होती है, मॉरल सेंस की कमी होती है, दैट आई कुड नेवर क्वाइट रिकनसील, मैं कभी भी सहमत नहीं कर सका माई सेल्फ, अपने आप को, टू द लेसन, इस लेसन से कभी भी मैं अपने आप को सहमत नहीं कर सका, माई सिंपैथीज वर विद द ग्रास ऊपर, मेरी जो सहानुभूति थी वो टिड्डे के साथ ही हमेशा रही, एंड फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक, आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा, एन आंट, एक चींटी को, विदाउट पुटिंग माई फुट, अपना पैर रखे हुए, ऑन इट, माने उस पर, इसका मतलब कि मैंने चींटी को उसके बाद काफी समय तक सहन नहीं किया और उसको पैर से कोचल देता था। इन दिस समरी, इस कहानी में, एंड एज आई हैव डिस्कवर्ड, और जैसा कि मैंने पता लगाया है, एंटायरली ह्यूमन, पूरी मानव जाति के रूप में, के बारे में जो मैंने अब तक पता लगाया है,
फैशन वो तरीका था, आई साउट टू एक्सप्रेस, ये मेरे व्यक्त करने का तरीका था, माई डिसअप्रूवल, और ये मेरी असहमति ही व्यक्त करने का तरीका था। ओ प्रूडेंस, ज्ञान के प्रति, एंड कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस के प्रति मेरी एक अपनी एक डिसअप्रूवल यानी कि असहमति प्रकट करने का ही एक तरीका था। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल, इस ये जो काल्पनिक कहानी है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं हेल्प सहायता कर सका। वेन द अदर डे, जब दूसरे दिन मैंने जॉर्ज राम सिंह को लंच करते हुए देखा, बाय हिमसेल्फ इन ए रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में जब मैंने जॉर्ज राम सिंह को लंच करते हुए देखा तो मैं उसकी मदद नहीं कर सका। आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा था एनी वन, किसी भी व्यक्ति को वियर, ओढ़े हुए, एन एक्सप्रेशन, ऐसे भाव ऑफ सच डीप ग्लूम, इतने गहरे दुख में डूबे हुए मैंने इससे पहले कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। ही वाज स्टारिंग, वह घूर रहा था, इन टू स्पेस, वह अंतरिक्ष की ओर घूर रहा था। ही लुक्ड, उसने देखा, एज दो वह ऐसे दिखाई देता था जैसे कि द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे संसार का भार सेट माने बैठ गया हो, ऑन हिज शोल्डर्स, उसके कंधों पर, जैसे कि उसके कंधों पर ही सारे संसार का भार आ गया हो, वो ऐसे दिखाई देता था। आई वॉज सॉरी, मुझे दुख था, फॉर हिम, उसके लिए मुझे दुख था। आई सस्पेक्टेड, मुझे संदेह हुआ, एडवांस तुरंत ही मुझे संदेह हुआ कि हिज अनफॉर्चुनेट, उसका अभागा ब्रदर माने भाई, हैड बीन कॉजिंग माने कारण बन रहा था, ट्रेवलिंग अगेन परेशानी का, अगेन माने फिर से उसके लिए जो परेशानी का कारण बन रहा था वो उसका अभागा भाई ही बन रहा था। आई वेंट अप टू हिम, मैं उसके पास गया, एंड हेल्ड माई हैंड, और मैंने अपना अब हाथ आगे बढ़ाया। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, मैंने पूछा। आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। इज इट टॉम अगेन, क्या तुम्हारी परेशानी का कारण फिर से टॉम है। ही साइड, उसने एक गहरी सी सांस ली, यस इट्स टॉम अगेन, हाँ फिर से ये जो है टॉम ही है। वाई डोंट यू चक हिम, तुम उससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते। यू हैव डन एवरीथिंग, तुमने सब कुछ किया है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में तुमने उसके लिए सब कुछ किया है। यू मस्ट नो, तुम्हें अब जान लेना चाहिए, बाय नाउ, अब तक तुम्हें जान लेना चाहिए कि ही इज क्वाइट होपलेस, वह बिल्कुल निराश, यह सब जो है बिल्कुल उसके लिए होपलेस है, यानी कि आशाहीन है, कि तुम उससे उम्मीद करो कि वो सुधरेगा, यह तुम्हारे लिए आशापूर्ण नहीं है। आई सपोज, मैं मानता हूं कि एवरी परिवार फैमिली हैज ए ब्लैक शीप, के प्रत्येक परिवार में एक निकम्मा व्यक्ति होता है। टॉम हैड बीन ए सोर ट्रायल, और टॉम जो है वो हमेशा से एक कारण रहा था, उसके लिए परेशानी का कारण रहा था, टू हिम, उसके लिए, फॉर 20 ईयर्स, लगभग 20 साल से उसके लिए परेशानी का कारण रहा था। ही हैड बिगन, उसने प्रारंभ किया था, लाइफ माने जीवन, डिसेंटली एना, पर्याप्त रूप से, शानदार तरीके से उसने अपना जीवन शुरू किया था। ही वेंट, वह गया था, इन टू बिजनेस, उसने व्यापार भी किया था, मैरिड माने शादी की थी, एंड हैड टू चिल्ड्रन, और उसके दो बच्चे भी हुए थे। द रामसेज वर परफेक्टली, जो रामसे परिवार था वो पूरी तरीके से रेस्पेक्टेबल, एक बहुत सम्माननीय परिवार, सम्माननीय लोगों का परिवार था। एंड देयर वाज एवरी रीजन, और यह समझने का प्रत्येक कारण था, कि यह मानने का प्रत्येक कारण था कि टॉम रामसे भी वुड हैव ए यूजफुल, एक बहुत लाभदायक और सम्माननीय कैरियर बिताएगा। बट वन डे, लेकिन एक दिन, विदाउट वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा कर दी कि ही डिड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करता, वह काम करने को पसंद नहीं करता, एंड दैट ही वाज, और वह जो है उपयुक्त नहीं था फॉर मैरिज, शादी के लिए भी, और वह शादी के लिए भी उपयुक्त नहीं था, यानी कि शादी उसके लिए उसके योग्य नहीं थी। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू एन्जॉय हिमसेल्फ, वह अपने जीवन का आनंद लेना चाहता था। ही वुड लिसन, उसने नो एक्सपोस्टुलेशंस, और उसने कोई भी इस बारे में वाद विवाद नहीं सुना। ही लेफ्ट हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, एंड हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस को छोड़ दिया। ही हैड ए लिटिल मनी, उसके पास बहुत थोड़ा सा धन था, एंड ही स्पेंट, और उसने बिताए, टू हैप्पी ईयर्स, 2 साल पूरे आनंद पूर्वक उसने बिताए, इन द वेरियस कैपिटल्स,
बहुत से कैपिटल्स में, शहरों में ऑफ यूरोप, यूरोप के बहुत से शहरों में उसने जो है 2 साल बहुत आनंद के साथ बिताए। रूमर्स माने अफवाहें, ऑफिस डूइंग, और जो कुछ भी वह कार्य करता था उसकी अफवाहें रीच्ड माने पहुंचती थी, हिज रिलेशंस माने उसके संबंधियों तक, उसके करने की जो कुछ भी वो करता था उसकी सारी सूचनाएं पहुंचती रहती थी, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। एंड दे वर प्रोफाउंडली अशॉक्ड, और उन्हें पूरी तरीके से उनको सुनकर के धक्का भी पहुंचता था। ही सर्टेनली, वह निश्चित रूप से, हैड ए वेरी गुड टाइम, उसने एक बहुत अच्छा समय वो बिता रहा था। दे शूक देयर हेड्स, उन्होंने अपना सिर हिलाया, एंड आस्ट, और पूछा, व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, और उन्होंने ये कहा कि क्या होगा, व्हेन हिज मनी वाज स्पेंट, जब उसका धन खर्च हो जाएगा तब क्या होगा। दे सून फाउंड आउट, और वे जो है शीघ्र ही उन्हें पता भी चल गया। ही बारोड, उसने फिर से उधार लिया। ही वाज चार्मिंग, वह आकर्षक था। एंड अन स्कर्पलस, और पूरी तरीके से बेशरम भी था। आई हैव नेवर मैट, मैं कभी नहीं मिला एनीवन, किसी भी ऐसे व्यक्ति से, टू हुम माने जिसको कि, इट वाज मोर डिफिकल्ट, जिसको कि बहुत ज्यादा परेशानी होती हो, टू रिफ्यूज ए लोन, उसे कर्जा देने से जिसे किसी को कोई परेशानी होती हो, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला। ही मेड ए स्टेडी इनकम, उसने बना रखी थी एक निश्चित आय, अपनी बना रखी थी, इनकम बना रखी थी, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, अर्थात वह अपने मित्रों से हमेशा कुछ ना कुछ धन अलग अलग मित्रों से लेता रहता था। एंड ही मेड फ्रेंड्स इजीली, और वह बना लेता था मित्र आसानी से, और वह आसानी से मित्र भी बना लेता था। बट ही ऑलवेज सेड, लेकिन वह हमेशा कहता था कि द मनी, वो धन, यू स्पेंट, जो तुम खर्च करते हो ऑन नेसेसिटीज, अपनी आवश्यकताओं पर जो भी तुमने धन खर्च किया है, वाज बोरिंग, वो जो है बोरिंग है, अरुचिकर है। द मनी दैट वाज अम्यूजिंग, और वही धन आनंददायक होता है, टू स्पेंड, जो खर्च किया जाता है, वाज द मनी यू स्पेंट ऑन लग्जरीज, और जो विलासिताओं पर धन खर्च किया जाता है वही आनंददायक धन होता है। फॉर दिस, इसके लिए, ही डिपेंडेड, वह निर्भर रहता था, ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, अपने भाई जॉर्ज पर निर्भर रहता था। ही डिड नॉट वेस्ट, उसने बर्बाद नहीं किया, हिज चार्म, अपना आकर्षण, ऑन हिम, और उस पर जो है अपना, उसने आकर्षण बर्बाद नहीं किया। जॉर्ज वाज ए सीरियस मैन, जॉर्ज एक गंभीर व्यक्ति था, एंड इनसेंसिबल, और एक बहुत समझदार व्यक्ति था, टू सच, और इनसे उदासीन व्यक्ति था, टू सच एंटीसीमेंट्स, इस तरह के प्रलोभनों के प्रति उदासीन व्यक्ति था। जॉर्ज वाज रेस्पेक्टेबल, जॉर्ज सम्माननीय था, वंस और ट्वाइस, एक या दो बार, ही फेल, वह पड़ गया था, टू टॉम्स प्रोमिसेस, टॉम के वायदों के चक्कर में, ऑफ अमेंडमेंट माने सुधरने के वायदों के चक्कर में पड़ गया था। एंड गेव हिम, और उसे दे बैठा था, कंसीडरेबल माने बहुत अधिक मात्रा में, समस्मा ने उसे धन दे बैठा था, इन ऑर्डर, इसलिए कि ही माइट मेक ए फ्रेश स्टार्ट, कि वह जो है अपना जीवन एक अच्छे तरीके से शुरू करेगा, इसके लिए वह जो काफी सारा धन उसे दे चुका था। ऑफ दीज, और इनको टॉम ने, इस धन से टॉम ने खरीदा एक मोटर कार खरीदी, एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी, और कुछ जो है बहुत अच्छी ज्वेलरी भी खरीदी। बट वेन सर्कमस्टेंसेज, लेकिन जब परिस्थितियों ने फोर्स माने मजबूर कर दिया जॉर्ज को, टू रियलाइज माने समझने के लिए, जॉर्ज को यह समझने के लिए मजबूर कर दिया कि हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, कि उसका भाई कभी भी नहीं सेटल होगा, नहीं सुधरेगा। ही वास्ट हिज हैंड, तो उसने पीछे छुड़ा लिया, ऑफ हिम माने उससे पीछे छुड़ा लिया। टॉम विदाउट ए काम, और टॉम जो है निसंकोच होकर के बिगेन टू ब्लैकमेल हिम, उसे जो है ब्लैकमेल करने लगा। इट वॉज नॉट वेरी नाइस, और यह बहुत अच्छा नहीं था फॉर ए रेस्पेक्टेबल लॉयर, एक रेस्पेक्टेबल सम्मानित वकील के लिए बहुत अच्छा नहीं था। टू फाइंड, यह पाना कि हिज ब्रदर, उसका भाई, शेकिंग कॉकटेल्स, के उसका भाई कॉकटेल्स हिलाए, बिहाइंड द बार के पीछे, ऑफिस फेवराइट रेस्टोरेंट, उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट के बार के पीछे उसका भाई कॉकटेल हिलाए। और टू सी, या वो दिखाई दे हिम्मा ने उसे, वेटिंग, इंतजार करता हुआ, ऑन द बॉक्स सीट, ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ, किसी का इंतजार करता हुआ दिखाई दे, ऑफ टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर, आउटसाइड हिज क्लब, उसके क्लब के बाहर टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर किसी का इंतजार करता दिखे, उसे यह पसंद नहीं था। टॉम सेड, टॉम ने कह दिया था कि टू सर्व इन ए बार, एक बार में शराब परोसना, और टू ड्राइव, या टैक्सी को ड्राइव करना, वाज परफेक्टली डिसेंट, पूरी तरीके से एक शानदार ऑक्यूपेशन था, कार्य था।
बट इफ जॉर्ज, लेकिन यदि जॉर्ज कुड ओबिलाइज हिम, यदि जॉर्ज उसको दे दे विद ए कपल ऑफ हंड्रेड, कुछ सौ पाउंड अगर यदि दे दे, तो ही डिड नॉट माइंड, उसे कोई आपत्ति नहीं है, फॉर द ऑनर माने सम्मान के लिए, ऑफ द फैमिली परिवार के सम्मान के लिए, गिविंग इट, इसको छोड़ने में उसे कोई भी आपत्ति नहीं है। तो जॉर्ज पेड, तो जॉर्ज ने उसे वह धन भी दे दिया। तो दोस्तों यह था इस थर्ड चैप्टर का, द आंट एंड द ग्रास ओपर का फर्स्ट पार्ट। और मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि ये जो भी चैप्टर के हम पार्ट का अध्ययन करते हैं, इसको हम शुरू से यदि अंत तक देखें तो हमारी समझ में ठीक प्रकार से आ जाएगा। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक अगले वीडियो का पहुंच सके। तो अगले इसके सेकंड पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।